नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन शेयर्स के बारे में जिसमें बिल्कुल आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। आपको कई सारे ऐसे चैनल्स मिलेंगे जिस पे इन सारे स्टॉक्स को बताया जाएगा। इन शेयर्स के बारे में आपको कई सारे चैनल्स पे बताया जाएगा। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक्स बनेगा। अभी अपॉर्चुनिटी है, बाय कर लो, इतना रुपया लगा दो वो लगा दो। तो दोस्तों आपको बता दें, ये है सुबेक्स लिमिटेड। इस स्टॉक में आप देख सकते हैं 9% की तेजी है, मतलब 10% की तेजी है, सर्किट लग चुका है इसमें। और इस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। अगर आप देखिए, यहाँ मार्च के गिरावट से 3 रुपीज का ये स्टॉक था, 3 रुपीज से ये चला कर आगे 29 रुपीज तक, और कितना परसेंट का रिटर्न दिया, 925% का रिटर्न, मतलब 9 टाइम्स कर दिया आपके इन्वेस्टमेंट को। अगर आप 1 लाख रुपया लगाए होते, आपका टोटल जो रिटर्न प्राप्त होता 9 लाख, 1 लाख रुपया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, 9 लाख रुपीज आपका रिटर्न, 10 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया हो जाता 10 लाख रुपीज इस स्टॉक में अगर आप गिरावट में लगाए रहते तो। तो दोस्तों बता दें, इस स्टॉक में बिल्कुल भी आपको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। चाहिए 10 टाइम्स रिटर्न दे दे, 20 टाइम्स दे दे या 100 टाइम्स दे दे, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में तुक्का होगा। आप तुक्का लगा रहे हैं, अगर रिटर्न दे दिया तो ठीक, नहीं तो गया तो आपका रुपया फिर आप पूरी तरह से बुरी तरह से इसमें फंसेंगे। क्योंकि हम इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं, फंडामेंटल बिल्कुल भी इस कंपनी का सही नहीं है। skinner.in पर हमने इस कंपनी को सर्च किया है, यहाँ पर देख लीजिए मार्केट कैप है 1600 करोड़ और करेंट प्राइस इसका 28.90 रुपीज़, लेकिन प्रमोटर्स का होल्डिंग इसमें देख लीजिए 0 है, मतलब कोई प्रमोटर्स का होल्डिंग नहीं। जब इस कंपनी का प्रमोटर खुद इस स्टॉक से निकल चुका है, तो आप समझते हैं इस कंपनी को कौन चला रहा है। तो जो पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो पब्लिक में जिसका स्टेक सबसे ज्यादा होगा वही चला रहा है, इसका इम्प्लाइज लुक चला रहे हैं इस कंपनी को। तो दोस्तों अगर इस कंपनी का आप शेयर प्राइस का चार्ट देखिएगा, तो जो पहले था इस कंपनी का शेयर प्राइस जो 700 रुपीज हुआ करता था, और आज देखते हैं ये पैनी शेयर बन चुका था, 2.80 रुपीज इसका शेयर का प्राइस था, 3 रुपीज था। वहां से जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो जो ऑपरेटर्स के चाल में फंस चुके हैं, क्योंकि कंपनी जो है प्रमोटर का स्टेक बिल्कुल गायब है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी है, देखते हैं 253 करोड़ का लॉस है कंपनी का, और कंपनी पास रिजर्व भी कुछ खास नहीं है, 264 करोड़ का मात्र रिजर्व है, डेट है कंपनी पर 15 करोड़ का, और जो लॉस लगातार हो रही है कंपनी उससे तो लगातार कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी बिगड़ रहा है। तो इस तरह से आप देखते हैं अर्निंग पर शेयर भी माइनस में है, तो कुछ खास इस कंपनी में बचा ही नहीं। जब कुछ कंपनी में बचा हुआ है ही नहीं, तो आप जो भगवान भरोसे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ऊपर वाले की मर्जी हुआ, आपका तुक्का लग गया तो आपको रिटर्न मिलेगा, नहीं तो कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई जान नहीं है। दोस्तों बात करें, आप पैनी शेयर में तेजी से तेजी रुपया बनाना चाहते हैं, उससे अच्छा कि आप फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसमें लगाएं, और लॉन्ग टाइम में आपका काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। ऐसे ही एक और स्टॉक है जिसमें लोग काफी ज्यादा बुलिश हैं कि जी इंटरटेनमेंट इन्वेस्टर को काफी ज्यादा रिटर्न देगा, ऐसे देगा वैसे देगा। दोस्तों इसमें भी देख लीजिए, प्रमोटर का स्टेक मात्र 4% का है। ये भी स्टॉक काफी महंगा हुआ करता था, आजकल ये स्टॉक काफी सस्ते होते हैं, 200 रुपीज 300 के बीच में है, ये 114 रुपीज तक आ चुका था पेंडेमिक में गिरावट में। और यहाँ पर देखिए 4% में 6% शेयर प्लीज है, साथ ही कंपनी लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है, 293 करोड़ का लॉस है कंपनी का इस साल का, साथ ही साथ प्रॉफिट का ग्रोथ देख लीजिए माइनस में है 107% का, लगातार कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, और कंपनी के ऊपर डेट है 391 करोड़ का, लेकिन इस कंपनी के पास थोड़ा सा रिजर्व कैश काफ़ी ज़्यादा है, 9000 करोड़ का है। क्या पता प्रमोटर्स इस रिजर्व को लेकर के गायब हो जाए और सारे शेयर होल्डर को धोखा दे दे, जो कि हमारे कंट्री में बार बार हो रहा है। तो इन सब बातों से आपको लगातार जागरूक रहना है। अभी कंपनी का जो करेंट प्राइस है वो 224 रुपीज है, कंपनी का मार्केट कैप 21000 करोड़ का है। तो इस तरह के स्टॉक में आपको नहीं फंसना है। दोस्तों बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मार्केट में उपलब्ध है, जो आपको हम अपने वीडियो में बताते रहते हैं, तो आप इस तरह के छोटे स्टॉक्स जो सस्ते स्टॉक्स है उसमें ना फंसें, बल्कि जो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, चाहे वो महंगा ही मिल रहा हो, आपको उसी में इन्वेस्ट करनी चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। आप शॉर्ट टर्म के लिए उतना रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें, लॉन्ग टर्म में आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा आपको रिटर्न प्राप्त होगा। स्टॉक मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, उसमें से मात्र आपको 10 से 20 कंपनियां सेलेक्ट करनी है, और उसी 10 to 15 स्टॉक्स आप सेलेक्ट करते हैं, उसी में बस लॉन्ग टर्म के लिए आपको बने रहना है, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होना चाहिए,
उसका बिजनेस जो है आगे ग्रोथ करता रहे, प्रॉफिट कंपनी का ग्रोथ हो, तो सारा ग्रोथ जब मिलेगा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त होगा। बस इसी स्ट्रेटेजी के साथ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।